दोस्तों आप सभी को तो पता है क्रिकेटिंग की दुनिया पे डिसीजन लेना कितना जरूरी है, कब कौन आउट हो रहा है, कब छक्का है, कब चौका है, कब कौन एलबीडब्ल्यू अपील पे आउट हो रहा है, ये डिसीजन कौन लेता है, अंपायर लेता है। तो दोस्तों बहुत किसी को पता है कि अंपायर बस तीन होता है, फर्स्ट अंपायर, सेकंड अंपायर जो कि स्क्वायर होता है, लेग अंपायर और थर्ड अंपायर। पर दोस्तों क्या आपको पता है कि क्रिकेटिंग के वर्ल्ड पे एक फोर्थ अंपायर भी होता है और साथ ही साथ एक मैच रेफरी भी होता है, उस जिनका अच्छा खासा भूमिका होता है क्रिकेटिंग फील्ड पे। तो दोस्तों जिन लोगों को पता नहीं है इस बारे में, तो आइए दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और पता करिए कि कितने तरह के अंपायर्स होते हैं, कितना अंपायर्स होते हैं क्रिकेटिंग वर्ल्ड पे और एक मैच रेफरी भी होता है, इन सभी का भूमिका क्या होता है क्रिकेटिंग वर्ल्ड पे। गाइस तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल और बने रहिए मेरे साथ इन क्रिकेट ट्रिबन राइट हियर राइट नाउ। चलिए शुरू करते हैं। जनरली क्रिकेट में ऑन द फील्ड बस दो अंपायर रहते हैं, ये तो आप सभी को पता ही है, एक बॉलर एंड पे और एक स्ट्राइकर एंड पे, जो कि स्क्वायर लेग भी दिशा भी कहा जाते हैं। अब बॉलर एंड पे रहने वाले अंपायर का काम क्या है, नो बॉल सिग्नल, वाइड सिग्नल, एलबीडब्ल्यू सिग्नल, बाई सिग्नल या फिर लेग बाई सिग्नल, ये सब डिसीजन कौन देता है, जो फर्स्ट अंपायर यानी कि बॉलर एंड पे जो रहता है। और लेग अंपायर का क्या काम है, जो कि स्ट्राइकर एंड पे रहता है, उनका काम ये है कि रनआउट या फिर स्टंपिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब देखने का काम है लेग अंपायर का। एक इनिंग्स के खत्म होने के बाद ही अंपायर का पोजीशन एक्सचेंज होता है, यानी कि जो लेग अंपायर होता है वो चले जाता है जो बॉलर एंड अंपायर है वहां पे, और बॉलर एंड अंपायर चले जाता है लेग अंपायर के पास। और अगर अंपायर को कोई डिसीजन लेने में तकलीफ हो या फिर उन लोग को अनक्लियर महसूस हो रहा है कि ये डिसीजन क्या है नहीं है, तो वो लोग जाते हैं थर्ड अंपायर के पास। थर्ड अंपायर एक टीवी अंपायर है जिनके पास रिप्ले का ऑप्शन है, टीवी के सामने वो देखते हैं, वो हर एक इंस्टेंस देख सकता है कि कब बॉल बैट में लग रहा है या फिर पैड में लग रहा है, कहाँ लग रहा है या फिर छू रहा है या नहीं छू रहा है, ये सब वो देख सकता है और उसके अनुसार वो डिसीजन ले सकता है। तो दोस्तों ये सब तो मैं जनरल बात किया जो आप सभी को पता है। और टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा हो गया है, मतलब टेक्नोलॉजी रिलेटेड युग है ये। तो दोस्तों थर्ड अंपायर के पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि स्नीको हो या फिर हॉटस्पॉट हो या फिर और भी बहुत कुछ हो, ये सब आने के बाद डिसीजन लेना और भी आसान हो गया है। और विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ DRS थर्ड अंपायर की ज़रूरत बहुत 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 ज़्यादा हो गया है। अब DRS तो पता ही होगा आपको, अगर नहीं भी पता है तो जान लीजिए, डिसीजन रिव्यू सिस्टम। अगर कोई अंपायर ने कोई डिसीजन दिया, आउट दिया या फिर नॉट आउट दिया, बट टीम कैप्टन को या फिर जो बैट्समैन बैटिंग कर रहा है उनको लगा कि ये ऑल्टर होना चाहिए, ये डिसीजन ऑल्टर होना चाहिए, सही नहीं है, तो दोस्तों ये काम वो लोग कर सकता है रिव्यू लेने के बाद। जब रिव्यू लेता है तो वो थर्ड अंपायर को कॉल करता है, थर्ड अंपायर जो टीवी अंपायर वो देखता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद वो डिसीजन देता है। और अभी बात करते हैं जो चीज़ बहुत किसी को नहीं पता है, जिस विषय में बात करने वाला हूँ वो है कि क्या आपको पता है कि एक फोर्थ अंपायर भी होता है क्रिकेट में। हाँ दोस्तों एक फोर्थ अंपायर भी होता है, पर फोर्थ अंपायर का काम क्या होता है। अब फोर्थ अंपायर का काम ये होता है कि वो एक रिजर्व्ड अंपायर है। हाँ दोस्तों रिजर्व्ड अंपायर है, अगर नया बॉल लाना हो या फिर ऑन फील्ड अंपायर के लिए ड्रिंक्स लाना हो या फिर लाइट मीटर में बैटरीज है या नहीं सही, ये सब ख्याल रखता है फोर्थ अंपायर। और हाँ जब कोई ब्रेक होता है, मतलब एक इनिंग्स के खत्म के बाद जब ब्रेक होता है या फिर टेस्ट में लंच या फिर टी ब्रेक होता है, तब पिच के ऊपर से कोई चल तो नहीं रहा है, कोई पिच चल नहीं रहा है, ये सब ख्याल रखता है फोर्थ अंपायर। और हाँ दोस्तों अगर कोई ऑन फील्ड अंपायर रिटायर्ड हो जाता है, मतलब रिटायर्ड या फिर कोई भी कारण के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है, तो दोस्तों थर्ड अंपायर लेते हैं उनके जगह और थर्ड अंपायर का जगह लेता है फोर्थ अंपायर। ये है काम फोर्थ अंपायर के। और दोस्तों अभी बात करते हैं मैच रेफरी की। मैच रेफरी कौन है, अगर दोस्तों आपने टॉस देखी हो कभी तो वहां पे एक मैच रेफरी भी दिखेगा आपको। इंडिया से मैच रेफरी हुए जवागाल श्रीनाथ, जो इंडियन फॉर्मर फास्ट बॉलर है। तो दोस्तों तो मैच रेफरी के बात करते हैं, तो आपने कई बार सुना होगा कि कोई भी क्रिकेटर को फाइन किया जा रहा है, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ, जैसे कि उसका सैलरी जितना होता है मैच सैलरी, उनका हाफ सम उनको फाइन के तौर पे देना पड़ रहा है। तो दोस्तों ऐसा तो हम लोग बहुत बार सुने हैं, बहुत किसी का हुआ भी है। तो दोस्तों ये कौन करता है, ये मैच रेफरी करता है। और ये क्यों होता है, देखिए क्रिकेट का एक स्पिरिट है, गेम स्पिरिट है, जब वो वायोलेट होता है, मतलब स्पेशली अगर कोई अंपायर के साथ आर्ग्यू करता है कोई क्रिकेटर या फिर कोई भी अजीब बर्ताव करे, ठीक है, जो सही नहीं है क्रिकेट के माहौल के लिए, तो दोस्तों तब मैच रेफरी उनको फाइन करता है। ये जो फाइन होता है ये मैच रेफरी करता है, यही काम है मैच रेफरी का। तो दोस्तों होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया कि मैच रेफरी का काम क्या है और अंपायर कितने तरह के होता है और क्या काम है उन सभी का। तो
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर कीजिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चले अभी क्या हो रहा है। ऐसा बहुत सारा नया वीडियो लेके आने वाला हूं मैं, और बने रहिए मेरे साथ क्रिकेट। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी विल बी गिवन डाउन बिलो, और यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम आईडी विल ऑल्सो बी गिवन डाउन बिलो। तो दोस्तों चलिए फिर से मुलाकात होते हैं।